नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी इस छोटी सी दुनिया का हिस्सा बन गए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। यदि नहीं बने तो बिल्कुल भी देरी नहीं हुई है, फटाफट से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं यहाँ लाती रहती हूँ होम मेकिंग से रिलेटेड क्रिएटिव वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, फैशन रिलेटेड वीडियोज़ और भी बहुत कुछ। तो चलो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज मॉर्निंग में रेडी होने के बाद सबसे पहले बेड वगैरह बना दिया था, देन देखो सुबह कितनी अच्छी खिली हुई है ना। तो आज तो भाई बहुत काम है, बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि ना कल हमारे यहाँ शीतला सप्तमी पूजने वाले हैं। हम थोड़ा सा दो दिन पहले पूज रहे हैं क्योंकि थोड़ा मेरा शायद पीरियड्स वगैरह भी आ जाएंगे आगे, तो इसलिए और भी कुछ दो तीन काम है, तो इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी पूज रहे हैं इस बार पंचमी को ही। और यहाँ देखो अविक का लंच बॉक्स मैंने सबसे पहले रेडी कर दिया है, उसे स्कूल के लिए रेडी करना था साथ साथ में। आज उसको सिंपल सा बस उपमा डाला हुआ है और आज उसके स्कूल का ना लास्ट डे है, मतलब प्ले स्कूल का। अब अविक 7 डेज़ बाद उसके जब वेकेशंस के बाद जब वो जाएगा तो वो नर्सरी में आ जाएगा। साथ साथ में शाम की तैयारी भी चालू है, शाम को जो हमें कल के लिए भोग प्रसाद बासोड़ा बनाना है खाना, उसकी तैयारी चालू है। तो ये केर सांगरी की सब्ज़ी है, काफ़ी महंगी मिलती है, 1200 रुपये किलो मिलती है मारवाड़ में ये सब्ज़ी। और देखो फिर यहाँ अविक स्कूल चला गया था मुझे बिना बाय बोले, एक्चुअली वो मुझे बोल रहा था आप भी चलो छोड़ने और मैं उसको छोड़ने नहीं जा सकती थी आज। फिर यहाँ पे मैंने ना बैंगन वगैरह साफ़ कर रही थी क्योंकि मॉर्निंग का खाना तो बनाना ही है, इवनिंग में यूजुअली क्या होता है ना हम भोग का प्रसाद का निकाल देते हैं और फिर उसके बाद में जो हम खाना अभी कल के लिए और कल शाम के लिए बना रहे हैं वही खाना हम लोग आगे तक खा लेते हैं। तो अभी तो ये चल रहा था कि मैं यहाँ बैंगन वगैरह सेक के रख रही थी, थोड़ा सा बैंगन भरता बनाने के लिए मॉर्निंग में, और साथ साथ में सोचा था कि पालक मोगर की एक दाल बना लूँगी और बैंगन भरता बना लूँगी तो सबका उसमें खाना हो जाएगा। तो यहाँ मैंने कुकर का इस्तेमाल करके फटाफट से पालक मोगर की छमक दी थी, थोड़ी सी कम मिर्ची की पालक मोगर बनाई थी ताकि उसको अविक भी खा सके। तो ये मैं कभी कभी ना छोटी छोटी सी टेक्निक यूज़ कर लेती हूँ कि अविक का भी हो जाए और घर के बाकी लोगों का भी हो जाए। तो क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं मुझे बताइएगा, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों की भी बातें सुनना। फिर उसके बाद में मैं यहाँ वेजीज कट करी हूँ बैंगन भरते के लिए। और पता है कल हमारे यहाँ ना शीतला सप्तमी की पूजा है, तो उसमें कैसा होता है ना कि आज हम जो कुछ भी खाना प्रसाद बनाएंगे, जैसे माता जी के लिए राब बनती है जो कि ज्वारी के आटे की बनती है छाछ में, और भी जो भी सब्जियाँ बना रहे हैं, पूड़ी बना रहे हैं, शीरा बना रहे हैं, वो सब आज बना के हम रख लेंगे शाम के टाइम में और कल दिन भर हम वही खाएँगे बासा, कुछ भी नया बनाया हुआ नहीं लेंगे। ओवरऑल क्या रहता है ना, हमारे यहाँ कुछ भी गर्म नहीं बनता है, जो भी एक दिन पहले का बना हुआ है वही हम खाते हैं। कुछ कुछ लोग तो चाय भी नहीं लेते हैं, बट आजकल सबका चाय के बिना नहीं चलता है तो इसलिए हम लोग तो चाय बना लेते हैं। तो बस ये एक प्रोसेस रहती है, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बनाना बताऊँगी। और हाँ, मैं आज किसी भी चीज़ की रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं कर पाऊँगी। यदि आपको किसी की भी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट करना, मैं आने वाले ब्लॉग्स में उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तो देखो मैं बैंगन भरता बना रही हूँ और इसकी रेसिपी तो ऑलरेडी मेरे फीड पे आप लोग देख सकते हैं। रेसिपी शेयर करने नहीं कर पाने का एक बस रीज़न ये है कि क्या है, आज सब कुछ मेरे सासू माँ बनाएंगी तो मैं बस उनके हैंड के नीचे काम करती हूँ कि उनको ये देना है, उनको वो लेना है, तो बस यही काम रहते हैं आज के दिन तो मेरे छोटे मोटे, जैसे पूड़ी बेलना वगैरह, थोड़ी बहुत सब्जी चमक देना। और तो देखिए बात करते करते यहाँ मेरा बैंगन का भरता रेडी हो रहा है, मैंने बहुत सारी सब्जियों से लोडेड बैंगन भरता बनाया है आज, क्योंकि ना मुझे बैंगन भरता ऐसे ही पसंद है। और फिर उसके बाद में ये मेरा जो मैंने ना शाम के टाइम पे कैरी की मुझे लौंजी बनानी थी, तो मेरे पास अभी टाइम बच गया था तो मैंने सोचा अभी बना देती हूँ। और कैरी की लौंजी किस प्रकार बनाते हैं खट्टी मीठी, उसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मेरी फीड पे डली हुई है, यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। और मैं उसकी लिंक भी शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आपके लिए ईजी हो जाएगा मेरी रेसिपीज़ को देखना। और फिर उसके साथ साथ में मैंने ना वो भी बना ली थी हरी चटनी, लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गई और फिर सब जिमने वाले भी आने लगे थे तो एक एक करके मैंने सबको थालियाँ पुरसना वगैरह चालू कर दिया था, सबको जिमने बैठाया। और फिर संगीत आ गए थे तो हम दोनों भी जिमने बैठे,
बस फिर उसके बाद आफ्टरनून में थोड़ी देर मैं आराम करने के लिए आ गई थी किचन विचन क्लीन कर कर पूरा, क्योंकि अब इसके बाद जो था वो हमारा प्रसाद बनने की प्रोसेस होनी थी, तो किचन को क्लीनिंग करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और ऊपर आने के पहले मैंने ना दाल वगैरह भी थोड़ी सी भिगा दी थी, मतलब माँ ने, कि दही वड़े वगैरह जो बनाने रहते हैं उसकी दाल हम 2-3 घंटे पहले ही भिगाते हैं, तो इसलिए हमने दाल भिगा दी थी। फिर ऊपर आके सबसे पहला काम रहता है, मैंने अविक को सुलाया अच्छे से, और अब मैं ना कल की तैयारी करूँगी थोड़ी थोड़ी। क्या होता है, एक दिन पहले यदि आप तैयारी करके रख लो, कहीं भी जाने के पहले आप तैयारी करके रख लो, तो आपका जाना इजी हो जाता है, थोड़ा सा सारी चीज़ें ना कन्वीनियंट हो जाती है कि आपको क्या पहनना है, क्या करना है, वो सब थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो मैं यही ट्राई करती हूँ कि मैं कोई भी फेस्टिवल की तैयारी एक दिन पहले ही कर लूँ, कि मुझे क्या पहनना है, क्या उसमें कैसा अपने आप को रखना है, तो उससे थोड़ा सा काम व्यवस्थित हो जाता है, और मुझे यही चीज़ करना पसंद है। तो मैं ये वाला पोशाक जो है मेरा राजपूती वो वियर करने वाली हूँ, और उसके साथ में पेयर अप करने वाली हूँ मैं ये वाली ज्वेलरी। पहले मैंने सोचा था एक्चुअली, फिर बाद में मेरा मूड चेंज हो गया तो मैंने दूसरी ज्वेलरी वेयर कर ली थी, और ये वाले लाख की चूड़ियाँ। हमारे यहाँ ना मारवाड़ियों में ना लाख को बहुत शुभ माना जाता है, तो ऐसा कहते हैं कि जब भी कोई ऐसा फेस्टिवल वगैरह हो जो सुहागन का रहता है, तो उसमें ना लाख ही वेयर करना चाहिए, तो मैं लाख पहनना ही प्रिफर करती हूँ, और मुझे ना एक्चुअली लाख पहनना पसंद भी है। साथ ही साथ अब मैं यहाँ लगा रही थी मेहंदी, क्योंकि बाद में तो टाइम नहीं मिलता है, हर बार सोचती हूँ कि रात में मेहंदी लगा लूँगी, लेकिन रात में मेहंदी नहीं लगा पाती हूँ। और यार ये तो क्या तो मेहंदी लेके आई है माँ, अभी रिसेंटली वो राजस्थान गई थी तो वहाँ से वो ये मेहंदी का डब्बा लेके आई है, जस्ट लगाई, 10-20 मिनट्स भी नहीं रखी मैंने, सिर्फ 15 मिनट्स रखी आई थिंक, और उसके बाद मैंने वॉश कर ली, और मेहंदी इतनी अच्छी रची थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये कोई केमिकल वगैरह वाली मेहंदी नहीं है, इसकी बिल्कुल भी ऐसी पपड़ी भी नहीं निकली, तो मुझे तो देख के मज़ा ही आ गया कि वाह क्या मेहंदी है, ऐसी मेहंदी हो तो मैं तो हर दूसरे दिन लगा लूँ, क्योंकि यार मेहंदी लगाना तो पसंद है लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता है कि इतना टाइम उसमें इन्वेस्ट कर पाऊँ। तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा, स्मेल उसकी अच्छी नहीं थी तभी के लिए, बाद में अच्छी हो गई थी। फिर मैं चली गई थी नीचे, और नीचे हमारे काम चालू हो गए थे एक के बाद एक, तो मैं बस उन्हीं कामों में लग गई थी फिर, तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। अब ये जो मैं रिकॉर्ड कर रही थी ये वाली क्लिप, ये तब की थी जब मैं नीचे बैठ गई, आराम से बहुत सारी पुड़िया बेल रही थी और माँ उनको तल रही थी, साथ साथ में हमारे यहाँ जो एक और काकू काम करने आते हैं वो भी थे हमारे साथ मुझे कंपनी देने के लिए। और बताएं, मैंने पहली बार ये ऐसी चोटी भी बनाई माता जी की, जो मतलब चढ़ती है, अठाई कहते हैं इसको, तो वो माता जी की रहती है, तो इसमें ये चोटी और ऐसी छोटी छोटी गोल गोल पुड़ियाँ रहती हैं। ये आटा जो रहता है, मतलब मैदे का जो आटा रहता है वो बिना नमक का रहता है और बिना शक्कर वगैरह का रहता है। और देखो यहाँ पे ना दही बड़े तला रहे हैं, माँ बैठ के मस्त भजिए गुलगुले वो सब वो यहाँ तल रही थी, और पूड़ी वगैरह, और नीचे हम काम कर रहे थे। और मैं क्या काम करती हूँ, मैं ऐसे बर्तन लाती हूँ, उसमें पहले पेपर लगाती हूँ, फिर मैं पेपर नैपकिन लगाती हूँ, और फिर मैं उसको देती हूँ माँ को ताकि वो उसको फिल कर पाए, फिर उसके बाद मैं डब्बे निकालती हूँ, डब्बे जमाती हूँ, फिर मैं कुछ सामान इधर से उधर दे के आती हूँ। काइंड ऑफ ऐसे जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, उस पर मैं घर का वो वाला छोटा बच्चा होती हूँ जो बहुत काम कर रहा होता है, लेकिन उसका काम काउंट नहीं होता है क्योंकि वो ऐसे काम कर रहा होता है, तो मैं वो बच्चा होती हूँ इस दिन घर का। हेड शेफ़ अपना काम संभाल रहे होते हैं और मैं उनके अंडर छोटा वाला शेफ़ सिर्फ डब्बे उठाने में ही रह जाता है।
फिर जब तक तलने वलने का कार्यक्रम चल रहा था, मैंने सोचा भाई घर के काम निपटा लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ी ना कोई और करने आने वाला है, रेगुलर वाले रूटीन वाले काम ये भी अपने को ही करना है, एक्स्ट्रा के काम भी अपने को ही करना है, तो चलो फटाफट रूटीन के ही काम कर लेते हैं। तो फटाफट से कपड़े ले आई मैं ऊपर से और कपड़े फोल्ड करना स्टार्ट किया। कपड़े फोल्ड करके रखे, सबके कपड़े जमाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। फिर दिया बत्ती करी, शाम के दिया लगाया और तुलसी जी में भी दिया लगाया। बस फिर उसके बाद में मुझे थोड़े और काम जो मुझे किचन में करने थे, लाइक मुझे केरसागरी की साग बनाना सीखना था, मुझे अब तक आती नहीं थी वो, तो फिर इसलिए मैंने बोला आज मैं बनाती हूँ। तो पहले यहाँ देखो ये राब बन रही थी, माँ राब बना रही थी और मैं बना रही थी यहाँ शीरा। हमारे यहाँ गुड़ के शीरे का भोग लगता है, आटे का गुड़ का शीरा बनता है आज के दिन, तो वो मैं बना रही थी, उसका भोग लगेगा और बाकी राब माँ बना रही थी। फिर इसके बाद जैसे ही शीरा बन गया तो फिर मैंने सब्जी की तैयारी करी। तो बहुत सिंपल सी सब्जी है, तेल ले लो बहुत सारा और सब बेसिक से मसाले डाल दो, हरी मिर्ची अदरक और लहसुन का कूटा डाल दो और 2 बड़ी चम्मच इसमें डाल दो दही, और फिर बस इसके बाद थोड़ी देर चलाओ और इसमें केर सांगरी डाल दो और फिर उसको अच्छी तरह से सीजने दो। कभी और इसकी फुल रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, अभी फुल रेसिपी इसलिए नहीं शेयर करी क्योंकि मैं खुद इसको सीख रही हूँ, तो आप लोगों से क्या ही शेयर करूँ। जब मैं इसमें प्रो हो जाऊँगी, जब बिना बोले और बिना पूछे बना पाऊँगी, तब मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। फिर इसके बाद हम करने लगे थे पूजा की तैयारी, क्योंकि यहाँ मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ के पूजा करने जाते हैं। जैसे 6 बजे हमारा टारगेट रहता है कि हम घर से निकल जाएं पूजा के लिए, तो वो टारगेट फुलफ़िल करने के लिए हम सारी तैयारियाँ शाम को ही करके रख लेते हैं। तो यहाँ देखो पूजा की थाली सज रही थी और फिर मैं यहाँ ओटी की तैयारी कर रही थी। जो ओटी वहाँ भरनी होती है वो हम एक लाल कपड़े में बांध के रख लेते हैं, ओटी मतलब खोल भरना होता है, और उसको ऐसे बांध के रख लेते हैं ताकि वहाँ बस रखना ही रहे, क्योंकि माता जी के पास बहुत सारा पानी पानी सब हो जाता है तो गंदा होने का भी डर रहता है चीज़ें, इसलिए साफ़ सफाई का हम अपने मन से ध्यान रखते हैं। इतने में सब लोग आ गए थे आज रात में डिनर में, बस हमने चमकी हुई खिचड़ी बनाई थी और थोड़े से पराठे बनवा लिए थे काकू से, बाकी सब जो रखा था वही हो गया। तो बस संकेत और मैं बैठ के यहाँ पे डिनर कर रहे थे। बहुत ज़्यादा टायर्ड है, बहुत ज़्यादा थक गए हो, और देखो इतना ज़्यादा काम हो गया पानी में हाथों के कि मेहंदी का रंग जो आया था वो बहुत लाइट लाइट हो गया। तो अभी बस कम्फी सा मेरा नाइट सूट पहन के मैं वापस थोड़ी सी अप्लाई करूँगी ताकि कल थोड़े से तो मेरे हाथ अच्छे दिखे पूजा के टाइम पे। और नेक्स्ट थिंग, आज एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और बहुत छोटी सी बात है कि बताएं अपनी खुशी, अपने आप को ना खुश रखने की आजकल कोशिश कर रही हूँ मैं, और मैं क्या करती हूँ, बस ये मैं मेरी बात बता रही हूँ तो हो सकता है शायद आप मेरी बात से रिलेट कर पाए। तो मैं क्या करती हूँ, जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है मैं वो काम करती हूँ, और जिस काम से मुझे खुशी नहीं मिलेगी या मुझे ऐसा अंदेशा रहता है कहीं ना कहीं कि ये मुझे आगे कहीं ना कहीं से हर्ट करेगा, तो मैं आजकल उससे दूर हो जाती हूँ। चाहे वो कोई ज़रिया हो, कोई चीज़ हो, या वो इंसान हो, या इंसान की कोई बात हो, या कोई रिलेटिव की कोई ऐसी बात हो जिससे मुझे लगता है कि ये मुझे हर्ट करेगी और इससे मैं दुखी होंगी, तो मैं उससे बस दूर हट जाती हूँ। जैसे मेरा एक छोटा सा YouTube चैनल है, बहुत छोटा सा, लेकिन ये जितना छोटा है ना उससे कहीं ज़्यादा बड़ी बड़ी इसके बारे में लोग बात करते हैं। लेकिन सच बताऊँ पहले फ़र्क पड़ता था, लेकिन अब फ़र्क पड़ना बिल्कुल बंद हो गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक YouTube चैनल छोटा सा जो है वो मुझे खुशी देता है, सिर्फ ये चैनल है जो मुझे खुशी देता है, मुझे अपना कहीं ना कहीं बिज़ी रखता है और कुछ मकसद देता है दिन भर कुछ क्रिएटिव करने का। तो अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इस चैनल के बारे में मेरे बारे में कोई क्या बोल रहा है। कभी कभी कहीं से सुनने में भी आता है ना तो ऐसा लगता है यार मुझे मत बताओ ना, मुझे मत बताओ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सुनने में। अगर आप हैप्पी हो मेरे ब्लॉग्स देखने में
तो इट्स ओके, आप देखो, आप ही लोगों के लिए बना रही हूँ। आप हैप्पी नहीं हो, आपको नहीं पसंद आ रहे, मत देखो। उंगली क्यों कर रहे हो भाई? और मैं किसी को भी टोन नहीं दे रही थी, जस्ट एक थॉट आया मेरे मन में, तो मैं शेयर कर रही थी कि अपने आप को खुश रखें और अपने आप के आजू बाजू में ना एक खुशी का आवरण बनाएं। दैट इज़ इट। हो सकता है मेरी बात आप तक पहुँची, और हो सकता है आप तक मेरी बात नहीं पहुँची होगी, लेकिन इट्स ओके। मुझे बताना था, शेयर करना था, कर लिया। तो चलो मैं बाय बाय करती हूँ, क्योंकि मुझे एक शावर लेके चेंज करके मेहंदी अप्लाई करना है फिर से, और मॉर्निंग में कल बहुत जल्दी उठना है पूजा के लिए। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए कुछ ना कुछ उनके बारे में अच्छा बोलकर। और बस अपना ध्यान रखिए। और हाँ, यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।